तो शिक्षण मंत्री जीतु वाघाणी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करवामां आवी हती, जेमां आईटी क्षेत्र ने लेने तेमणे महदअंशे चर्चा करी हती। तेमणे कह्युं हतुं के आवनारा समयमां आईटी क्षेत्रमां लोको दरखम वधारो करशे तेवी प्रबळ शक्यता वर्ताई रही छे, कारण के अत्यारनी जे परिस्थिति जो आवी रही छे तेना आधारे एवुं ज लागी रह्युं छे के गुजरात एक आईटी क्षेत्र बनी शके तेवी प्रबळ शक्यता वर्ताई रही छे। गुजरात सरकार द्वारा गुजरात इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी जाहिर करवामां आवी छे, जेमां युवानोने खास करीने रोजगारी मळे ते माटे प्रबळ शक्यता કારણ કે યુવાનો આ આઈટી ક્ષેત્રમાં આગળ વધી રહ્યા છે, યુવાનોને જોબ જુસ્સો આપવા માટે હવે આઈટી ક્ષેત્ર લઈને ખાસ ધ્યાન આપી રહી છે સરકાર। આ નિવેદન शिक्षा मंत्री जीतू वाघाणी आप से। विश्व की स्पर्धा में हम खड़े रह सके इसलिए गुजरात इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी घोषित की है। इसमें बहुत नाना की सब्सिडी, अलग अलग उसके लिए सेगमेंट हमने रखे हैं। पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक हब बनने के लिए गुजरात आगे आने वाला है। 10 लाख रोजगारी 5 वर्ष में हम उसमें से देंगे। हमने आईटी में भी बोला था 1 लाख रोजगारी, हालांकि 28,000 रोजगारी और 16 MOU उसमें से 14 MOU वो कार्यान्वित हो गए हैं। इसी दिशा में एकदम पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से ये पॉलिसी पूरे देश और विश्व को इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया में गुजरात बहुत नई ऊंचाई पे इस पॉलिसी के माध्यम से जाए।